અને હવે અન્ય સમાચાર પર નજર કરીએ। ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષણને લઈને અમિત શાહે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। ગુજરાતનું પ્રાથમિક શિક્ષણ દેશમાં સૌથી સારું મોડેલ હોવાનું નિવેદન અમિત શાહે પોતાના સંબોધનમાં આપ્યું। અત્યાર સુધીની એજ્યુકેશન પોલિસીથી બાળકોની ક્ષમતા ન વધી, ત્યારે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી બાળકોની ક્ષમતાઓને બહાર લાવશે તેવો દાવો પણ અમિત શાહે કર્યો। जाने के लिए गुणोत्सव का आयोजन किया और आज मैं कह सकता हूं कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोले, गुजरात की प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश के लिए मॉडल है और गुजरात के अंदर ये परिवर्तन मोदी जी ने किया। संवेदनशीलता, छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना, देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मोदी जी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। दो तीन मिनट तक ये प्रक्रिया चली, मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से टीस की निर्मिति, दर्द की निर्मिति होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान